सैमसंग गैलेक्सी तरफ तो आ रही है एक नई अपडेट जो कि दोस्तों है गुड लक की तरफ से, यानी सैमसंग गैलेक्सी गुड लक जो अपडेट आया था पहले भी उस अपडेट में तो अब आ गया है। सैमसंग ने अपने सभी डिवाइसों को देखते हुए माइंड रखते हुए, जैसे कि सैमसंग अपने सभी डिवाइसों को अपडेट देते रहता है उसी को ध्यान रखते हुए सैमसंग ने कुछ खास कंट्रीज में एक अपडेट रोल आउट किया है जो कि OTA थ्रू रोल आउट किया गया है, जिसे बताया जा रहा है कि एक गुड लक के माध्यम से आ रहा है और साथ में इसे UI 2.0 के अपडेट के OTA थ्रू रोल आउट किया गया था, उसके नए वर्जन नए अपडेट को लेकर के देखा जा रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी अपडेट के रहेंगे गुड लक के साथ कौन कौन से ऐसे ऐप्स आ रहे हैं जिनके वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसे गुड लक के माध्यम से देखा जा रहा है, यानी गुड लक के इस अपडेट में क्या क्या अपडेट्स हैं और इसमें क्या क्या अपडेट्स नहीं मिलने वाले हैं और क्या है सारे डिटेल्स आज की वीडियो में दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दो हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं डेली टेक्निकल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे UI 2.0 को ना लेकर के यहाँ पे UI 2.01 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे गुड लक के माध्यम से अपडेट निकल के आई है कि सैमसंग गैलेक्सी अपने कुछ डिवाइसों में ये अपडेट देने को बात कही जा रही है, जिसमें कि नव रेजर एक इंस्टॉलिंग है जो कि सैमसंग के प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। सैमसंग के प्ले स्टोर से आपको इस अपडेट को आपको अपडेट करना पड़ेगा, वहाँ से आप उठाने के बाद इसे अपडेट करने के बाद आपको नॉलेज के माध्यम से आपको 2.5 रेटिंग से इसको अपडेट्स को देखने को मिला है। लेकिन सैमसंग का कहना है कि इस अपडेट्स के माध्यम से अगर आप गुड लक ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 UI 2.2.2.1 का अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि ये सभी डिवाइस में अपडेट होता है, नहीं दोस्तों सभी डिवाइस में इसे अपडेट नहीं किया गया है। इसे फिलहाल गैलेक्सी के Note 10 और Galaxy S10 में देखने को मिला है, इसे अभी US और कुछ खास कंट्रीज में अपडेट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, कैमरा क्वालिटी फोटो फ्रेमिंग में देखने को मिलेगा और साथ में बहुत सारी चीज़ों को इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और साथ में बता दूँ कि इसमें इस अपडेट को देखा जाए कि अब आने वाले दिनों में क्या सब मिलता है या नहीं वो देखने में पता चलेगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में क्या सैमसंग अपने डिवाइसों में ये अपडेट देता है नहीं देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट में 1 UI 2.1 का जो अपडेट है बहुत ही बेस्ट अपडेट है, लेकिन इसके दोस्तों कुछ बग्स भी फिक्स करने की बात कही जा रही है या इसमें कुछ भी और प्रॉब्लम होता है, इसके लिए वजह से सैमसंग अभी इस पर वर्क कर रहा है। अभी फिलहाल इसे OTA थ्रू कुछ खास फीचर को ही अपडेट दिया है ताकि इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके वजह से टेस्टिंग चल रही है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि इस अपडेट के माध्यम से आप अपने गुड लक जो सीरीज गन के आई थी सैमसंग में से अपडेट को लेकर वो बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि इसी सभी डिवाइस में भी अपडेट देने की बात कही जाती है क्योंकि ये एंड्रॉयड 10 के बेस पे ऑपरेटिंग करता है। दोस्तों ये थे कुछ अपडेट्स जो कि सैमसंग की तरफ से अपडेट्स आ रही थी आप सबके लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सब वीडियो आप जानकारी लेकर कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो थोड़ा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर हमारे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसे ही सैमसंग रिलेटेड हर वीडियो हर डिवाइस की वीडियोस लेकर के आते रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट वीडियो ही मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।